नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जागर और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लान के। अगर आप भी एक पोर्च के साथ एक बेहतरीन सा डिजाइन चाहते हैं तो इस मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज का ये कॉर्नर का प्लॉट आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, आपके लिए शानदार हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो चीजें क्रिएट की है वो आपके घर का एक ऐसा लुक देगा ना जो शायद ही आपके आसपास कहीं पर बना होगा। तो आज का मॉडल बहुत ही धमाकेदार और भौकाली होने वाला है, बहुत ही स्टाइलिश मॉडल मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। तो आप इस मॉडल को जरूर बनवाइए। अगर इसका 2D प्लान चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या आप हमारी पेड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक सभी जगह फॉलो कर सकते हैं या वहां पर भी कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। तो चलो आज का जो मॉडल है बेहतरीन से उसे डिस्क्राइब कर देते हैं। तो दोस्तों जिस मॉडल की मैं बात कर रहा था ये पूरा मॉडल होने वाला है बहुत ही शानदार और जबरदस्त मॉडल आपके सामने डिस्क्राइब करने वाले हैं। और ये मॉडल का कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हो सकता है आपके लिए। तो ये इसी मॉडल को जी कॉर्नर का प्लॉट है तो देख सकते हैं कॉर्नर पर मैंने भी डिजाइन दी है और साइड से एक रोड है तो वहाँ पर मैंने एक डोर भी दिया है जहाँ से आप एंट्री कर पा रहे हो। देख सकते हैं ये डोर आप देखने को मिल रहा होगा। तो बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब हाउस का डिजाइन मैंने बनाने की कोशिश की है। और इधर से दोस्तों एक क्लोज्ड है टू साइड और टू साइड ओपन है, देख सकते हैं फ्रंट से और इधर साइड से। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो पर बता रखा है। तो फ्रंट की बात करें तो फ्रंट से ऐसा आपको दिखेगा, सामने से मकान आपको ऐसा दिखेगा बिल्कुल। साइड से बात करें तो साइड से मकान आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों विंडोज़ के डिजाइन बने हुए हैं और यहाँ पर फ्रंट से जब आप देखते हैं तो यहाँ पर दो पिलर हैं, उस पर एक बेहतरीन सा यू शेप में पोर्च बना है और दोनों तरफ विंडो दिए हुए हैं। देख सकते हैं इधर भी पोर्च का डिजाइन बना हुआ, ऊपर सिंपल सी ग्रिल बहुत ही मैंने सिंपल सी बनाने की कोशिश की है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और ये दोस्तों गुमटी स्टेयर्स को रखने के लिए बनाकर दी, क्योंकि यहाँ पर स्टेयर्स हैं और उसमें वेंटिलेशन के लिए ये मैंने जाल टाइप का लगा रखा है। तो फ्रंट की बात करें तो ये पूरा ओवरऑल बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने ग्राउंड फ्लोर बनाने की कोशिश की है। मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा, ये पिलर का डिजाइन आप देखिएगा कितना बेहतरीन है, ये पिलर का कॉम्बिनेशन देखिएगा, ये यू शेप का डिजाइन देखिएगा। मेन डोर आपका ये होने वाला है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, तो ये आपका पोर्च का डिजाइन है, मेन डोर से ये एंट्री है, दोनों तरफ विंडो भी दी है। तो टॉप व्यू अगर आप देखें तब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो टॉप से अगर आप देखेंगे तो ये आपका पोर्च है और मेन डोर से एंट्री करते ही ये दोनों साइड लेफ्ट टू राइट साइड बेडरूम मैंने बनाकर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर डोर लगाना भूल गया हूँ, सॉरी इसके लिए। और आप ये देख सकते हैं ये भी बेडरूम है, ये भी बेडरूम है, आप इधर से डोर लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस वाले बेडरूम के लिए यहाँ पर मैंने विंडो दिया प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। और इस वाले जो आपका बेडरूम है इसमें दो विंडो हैं, एक फ्रंट से और एक साइड से, क्योंकि इधर भी रोड है तो ये इसमें आप दोनों में डोर लगा लीजिएगा। इसके बाद आप इधर जैसे पढ़ते हैं तो ये आपको एक और बेडरूम देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आप डोर दीजिएगा। और यहाँ पर लेटेंट बाथ आपको देखने को मिलता है, इधर आपकी स्टेयर्स देखने को मिलती हैं और ये आपका किचन देखने को मिलता है और ये आपका डाइनिंग एरिया ओवरऑल देखने को मिलता है। तो 3 बेडरूम, एक डाइनिंग एरिया, एक बड़ा सा किचन, एक लेट बाथ और स्टेयर्स के साथ बेहतरीन सा मकान बनकर रेडी होता है। अब स्टेयर्स का हाइट देखिएगा दोस्तों, मैंने इधर से चढ़ना स्टार्ट किया है, ये जो डोर है ना वो स्टेयर्स के नीचे ही लगा हुआ है। इसका विशेष ध्यान रखें, जब ये डोर लगवाएं ना तो ये हाइट आपका स्टेयर आपका एकदम 7 फीट हाइट पकड़ लेना चाहिए, तभी आप उसके नीचे डोर लगा पाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखें घर को बनवाते समय। तो इस मॉडल का अगर आप 2D चाहते हैं या कोई अन्य मॉडल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा या आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करिएगा। वहाँ पर दोस्तों मैं आपको पेड सर्विस देता हूँ, आप हमसे बात कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं हाउस क्रिएट करता हूँ। लिंक आपको नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नहीं लगेगा, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये एक बेहतरीन सा मॉडल, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक तक नहीं करते, मैं इतनी मेहनत से वीडियोज़ को क्रिएट करता हूँ, इतना समय लग देता हूँ आप लोगों के, एटलीस्ट लाइक तो कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिल सके, आप लोगों का सहयोग चाहिए हमें भी। तो ये फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं कि बेहतरीन सा पोर्च डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है, साइड से भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन मॉडल आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है। बात करते हैं लास्ट फ्लोर की, तो ऑलरेडी आप लास्ट फ्लोर देख चुके हैं 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, फ्रंट में बेहतरीन सा ग्रिल का डिजाइन आप देख सकते हैं। ये दोस्तों जो आपको वाइट बॉर्डर टाइप का दिख रहा है ये डिजाइनिंग के पर्पज से ये क्रिएट की गई है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये भी डिजाइनिंग के पर्पज से, तो येलो कलर की लीव मतलब कि आपको पत्ती टाइप की दिख रही है। और ये दोस्तों वही जो स्टेयर्स थी शुरू ढकने के लिए मैंने यहाँ पर गुमटी बनाई है, ये डोर है जिससे आप छत पर आ पाएंगे और एक बेहतरीन और खूबसूरत सा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा लगा मॉडल तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आप हमें पेड सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए
हमें कॉन्टेक्ट करिएगा इस मॉडल को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर विजिट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये दोस्तों मॉडल अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक हिट करके जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ साथ आप हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने यार दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, अगर आप हमें पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो एक व्हाट्सअप नंबर है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो आज का मॉडल आप अपने लाइक से बताइए कि आपको कैसा लगा और इसके बाद हमें आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।